अगर गवर्नमेंट दे रही है एक घर के लिए एक पोल दे रही है, मगर एक घर के लिए चार, मतलब इनका कोई सिस्टम ही नहीं, एक चार घरों को एक पोल दे रहे हैं। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की जानिब अगर बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई है, सौभाग्य के तहत अगर गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की बात की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नर इंतजामिया की तरफ से अगर ये बातें कही जाती हैं, क्या ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाती हैं या इसमें कोई ऐसी परेशानी खड़ी होती है, इसी के बारे में आज हम जिला डोडा तहसील कास्तीगढ़ ब्लॉक कास्तीगढ़ और पंचायत कटिहार ए वार्ड नंबर 7 में हैं। अभी हम मंचू एरिया है, 1947 के बाद आज पहली बार अगर इस एरिया में बिजली की सहूलियत को दस्तियाब कराने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों के बीच में। हम आए हैं, दूरदराज एरिया है, पिछड़ा हुआ एरिया है, काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। इस एरिया में हम पहुँचे हैं, इससे पहले इस गांव में कोई बिजली नहीं थी, बिजली की सहूलियात जो थी वो दस्तियाब नहीं थी लोगों को, और अगर महकमा की जानिब, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब यानी सरकार की तरफ से अगर इस एरिया के लिए, इस एरिया को बिजली देने की बात की जाती है, घरों को कवर करने की कोशिश की जाती है कि उन लोगों तक, उन स्थानीय निवासियों तक, ग्रामीण तक, गांव-गांव तक, घर-घर तक बिजली पहुंची जाए, जिससे कि एक डेवलपमेंट उस एरिया की हो सके। लेकिन ये सारी चीज़ें किस प्रकार यहाँ पर जीरो साबित होती हैं, हम इन्हीं लोगों से यहाँ पर वार्ड नंबर 7 मंसू एरिया में आए हैं, इन्हीं लोगों से हम जानना चाहेंगे कि उन्हें किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जनाब, हमारे घर 10-15 घर हैं इधर सारे, और इधर 10 पोल तक नहीं लगे, बाकी तो छोड़ो, मगर एक घर के लिए एक पोल दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट दे रही है एक घर के लिए एक पोल दे रही है, मगर एक घर के लिए चार, मतलब इनका कोई सिस्टम भी नहीं, एक चार घरों को एक पोल दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है, अगर मटेरियल तो अगर गवर्नमेंट दे रही है ऊपर से, हमारे घर में कोई ऐसा कोई मसला नहीं पहुँच रहा, कोई ऐसी बात ही नहीं पहुँच रही है। कोई अगर 70 साल के बाद बिजली लगाई गई है, गवर्नमेंट ने अगर दिया है गरीबों के लिए, किसी जनता को पहुँचाने के लिए, भाई इन लोगों ने इतना भी नहीं किया है कि अगर पोल लगाए हैं मगर एक किलोमीटर के बाद एक पोल लगाया है। और आज तो इधर डैमेज, बर्फीला इलाका है, यहाँ तो डैमेज होती रहती है। अगर जैसे गवर्नमेंट रूल से अगर पोल लगाएंगे तो हमें कभी ये लाइट कभी डैमेज नहीं हो सकती है, मगर एक, मतलब 10 घरों को एक पोल लगाया गया है, बोले डैमेज नहीं होगा, क्या होगा इसके साथ यहाँ पे, मतलब एक, मतलब चार पोल एक बेलचे से निकाले गए हैं। और हमारे देखो, अगर 6 इंच से अगर ऊपर का इसी पोल पे अगर मटेरियल निकल जाता है तो हम किसी से बात कर सकते हैं या हमें दिखा सकते हैं कि हमने ये मटेरियल लगाया है। नीचे तक तो बिल्कुल खोखला है और कच्ची मिट्टी है, अभी आज ही, अभी तो लाइट लगी नहीं है, अभी पोल अपनी साइड पे चल रहे हैं, इनका कोई सिस्टम ही नहीं है। पेड़ों के साथ इन्होंने लाइट टंगा के चला गया, जैसे वो 47 में कहीं लगाई गई थी, हमें देखी थी गिनी का वो पोल, 70 साल के हमारे गाँव में लाइट आई है, और ये साथ इनका बन रहा है कि आज 70 साल के बाद ये लाइट लगा रहे हैं, मगर गवर्नमेंट जो इनको मटेरियल दे रही वो हमारे लिए यहाँ पर काफी, मतलब कई सालों से पिछड़ा हुआ एरिया था, पहली बार 70 साल के बाद कहीं हमारे गांव में लाइट का प्रोग्राम आया, ये काम आया है। तो यहाँ पर कहने को तो गवर्नमेंट बहुत बोलती है कि हम इतना मटेरियल भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पर मटेरियल देखिए, पोलों की कमी है, अब तार की देखिए आपने कैसी कैसी फिटिंग की हुई इन लोगों ने, तो मटेरियल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मटेरियल यहाँ कुछ नहीं लगाया गया, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि एक पोल में 3 बैग लग रहे हैं, लगना चाहिए इसी में, तो मिनिमम यहाँ तो एक बैग में से 3 पोल निकल रहे हैं। तो इसलिए हम आपके मीडिया के माध्यम से या कहना चाहेंगे LG साहब से, ये हमारी गुजारिश है कि इसकी पूरी तौर पर छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि ये मटेरियल इसमें कम क्यों लग रहा है। अब बिजली का जो मसला है, यहाँ भी तकरीबन DP बोलते हैं,
6 पुल के बाद डबल पोल होते हैं वो सिंगल में है, बाकी जो जितने जितने पोल लगाए हैं ऊपर है तकरीबन 2-2 फुट बिटवीन में है, बाकी खाली खाली है। एक एक दो दो बेलचा वहाँ डाल दिया उन्होंने सीमेंट का, बाकी कुछ नहीं। जहाँ जहाँ भी है आज ये डिंगे होते हैं, जहाँ जितने भी पोल हैं डिंगे हो रहे हैं, बाकी जो दरख्त है दरख्त के साथ वो तारे फंसे हैं। अब किसी टाइम पर ये गिर जाएंगे, झटका होगा, कुछ भी होगा, जितने गांव हैं वो उसकी जिम्मेदारी उनको खुद करनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, इससे वो मानता नहीं है। ठेकेदार बोलता है हमारे पास कमी है, पोल है ही नहीं, और घर घर को होने चाहिए पोल। घर जो बिजली का किराया दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, बगैर पोल कैसे देंगे हम? जितने भी पोल हैं, एक दो पोल तीन तीन चार चार घरों को दिया उन्होंने, बांट कर दिया, बाकी इससे अलावा क्या बोले जी। मुनासिब ठीक ठाक, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, को ठीक है? बस खैरियत, आप सुनाए ठीक है आप? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा अच्छा सर, और कहाँ पे डोडा में है सर? जी जी बोलिए। अच्छा ये है ना, यहाँ पंचायत कुड़दहार ए, ये वार्ड नंबर 7 मनसू के लिए एक मतलब वो ट्रांसफार्मर वगैरह भी सेंक्शन हुआ था। मनसू किसमें? अब ये डिपार्टमेंट को ही मालूम होगा शायद, शिलाखा की उस कंपनी कर रही है, कौन कर रहा है इसके? अभी कंपनी अभी नहीं आई, अभी तो कुछ नहीं है, वो काम ही का अभी तो पैरामीटर ले रहे हैं, अभी कुछ नहीं है उनका। वो लेकिन उन्होंने वो जो तार और पोल बिछाए ये लगाए ना, उसमें मटेरियल का नामो निशानी नहीं है, 10 दिनों में वो पूरा उखड़ गया है। ये शिलाखा लगाया ना फिर इसका मतलब? अब मुझे अब यही मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि ये कौन कर रहा है, और यहाँ पे तो बुरा हाल है, और ये हिली एरिया है, बर्फीली एरिया है, वो एरिया बड़ा डेंजर है। चलो मनसू के हमारे पास पड़ता है, मुझे नहीं लगता हमारे पास पड़ता है। कहाँ से ये कुड़धार की किसमें आता है? धंधल में आता है? कुड़धार ए पंचायत मनसू वार्ड नंबर 7। हाँ पर ये वही शिलाखा वाले कर रहे हैं, अभी तो कहाँ काम कर ही रहे हैं, वो थोड़ी देते और होगा जब तक ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो। वही इस चीज के लिए मैंने कहा मैं सर से बात कर लूँ कि मतलब उन्होंने वो मटेरियल जो लगाया है ना, कुछ तार पोल तो लगा दिए, वो इन्हीं 7-8-10 दिनों के अंदर ही मतलब उखड़ गए, और ऊपर से वो दिखाने के लिए लगाया थोड़ा सा मटेरियल। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये चेक करना है, फिर टेक ओवर करना है, उसकी इंस्पेक्शन होती है जी, बड़ा कुछ है। हाँ अभी ये बेसिकली अभी बर्फ पड़ी ना जिसमें हो गई होगी खराबी, ये खुद करेंगे सैटेलाइट मंसूर है ना, मैं कंफर्म कर लूंगा। जी जी बात नहीं। हाँ इस पे मैंने कहा देखो अब इतना सरकार इतना पैसा खर्च रही, इतनी सारी स्कीम्स हैं इन चीजों पर, ये ऐसे थोड़ी आएगा, ये क्लियर होगा जी, समझ जी, ये हम टेक ओवर नहीं करते तब तक जब तक ठीक ना हो तो, ठीक है उनको ठीक करना है। अभी चार्ज मत आइए, चार्ज नहीं है ना? नहीं 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 अभी मतलब नई काम ही कर रहे ना, कोई बात नहीं, उनसे काम करवा देंगे जी। ठीक है मनसू है? हाँ मनसू वार्ड नंबर 7। ओके जी ओके, कोई बात नहीं, ठीक है सर।